लेकर के आई हूँ उन लोग, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं गार्डनिंग में, लाइक अपना किचन गार्डन जो अच्छा लगता है इनको, अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाना और फिर प्लग करके अपना खुद का उगा हुआ वेजिटेबल्स खाना। तो ये उन लोगों के लिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर मैंने कुछ सीड्स ऑनलाइन मंगाए थे और आई थिंक सीजन के हिसाब से होते हैं, आई थिंक समर के अलग होते हैं, विंटर्स के अलग होते हैं, तो वो शायद समर वाले होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर के अराउंड उनको सो किया था और वो अभी रिजल्ट दे रहे हैं, अभी फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए उनके ऊपर। तो मेरा मन हुआ कि ये कभी कभी होता नहीं कि हम ऑनलाइन सीड्स मंगाते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं निकलते, तो ये वाले सीड्स सारे अच्छे थे, तो वही मैं, मेरा मन हुआ कि मैं शेयर करूँगा इनकेस कोई इंटरेस्टेड है अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन में, अपना खुद का किचन गार्डन चाहता है वो, तो ये सीड्स वो आराम से लगा। ये है वो, मैंने ये लिए थे अराउंड 176 रुपीज़ में, इसका 41 या 42 के अराउंड शिपिंग चार्जेस लगे थे इसके ऊपर, और इसमें 12 के अराउंड है सीड्स, और ये वाला पैकेट है और ये फल फूल रहा है। सबसे बड़ी बात कि इसमें फ्रूट्स आ गए हैं, वेजिटेबल्स आ गई हैं, तो वही मैं आपको, तो ये है वो सीड्स जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, यही है। और ये सीड्स पे आपके छोटे छोटे से, मतलब इस पैकेट में छोटे छोटे सा पैकेट है इस टाइप के, जैसे ये है, ऐसे सीड्स रहेंगे छोटे छोटे से, तीन तीन पैकेट्स हैं, काफ़ी सारे सीड्स हैं। बिटर गॉर्ड का है, करेले का, ये भी उगाया हुआ, ये भी आया नहीं है। और ये आपका फेठा जो होता है, स्पॉट बोलते हैं इसको, ये है हमारा खीरा, ये वाले मैंने भी लगाए हैं क्योंकि लास्ट ईयर नहीं, मतलब हाँ लास्ट ईयर नहीं लगाए थे, मुझे लगा हमने ये सिर्फ पम्पकिन के, टोमेटोज के और आई थिंक चिलीज वगैरह के लगाए थे, वो जो सारे फ्रूट्स आ गए, आपको फ्रूट भी दिखाऊंगी। और ये सारे सीड्स हैं इसमें, ये हमारा ओकरा, भिंडी, और ये काफ़ी सारे सीड्स हैं, ये भी ये कुछ ड्राई करके है, और ये हमारा लौकी, लौकी के सीड्स भी हैं, और ये हमारा है स्नेक गॉड। ये तो ये सारे सीड्स हैं जिसमें से हमने लगाए अभी पम्पकिन के, टोमेटोज और ब्रिंजल भी है और चिली भी है, और वो सारे फल फूल रहे हैं। और बस अभी खीरे का मैंने खुद ने लगाया था, ये सारे मम्मा ने लगाए थे, खीरे का मैंने लगाया, वो अभी तक नहीं आया है अभी, मतलब मुझे हार्डली 1 वीक ही हुआ था, टाइम तो लगता है आने में, तो अभी देखो यार कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो ये छोटा सा मम्मा ने गार्डन टाइप बनाया हुआ है, मम्मा को बहुत शौक है सब चीज़ों का, और वो कोई भी कंटेनर मिलता है, चाहे प्लास्टिक का कोई भी डब्बा हो, खाली खुली, हम किसी को नहीं फेंकते, हम सबको यूज़ कर लेते हैं, सब में कुछ ना कुछ प्लांट्स, चिली, ये वो, छोटा मोटा मनी प्लांट लगा ले, कुछ भी सब में लगा दे, टायर देखा वो टायर में भी कुछ ना कुछ लगी जाएगा, एक पड़ा हुआ है खाली। और ये सारे टोमेटोज अभी ग्रीन है, अभी ये पके नहीं हैं, बट हाँ यार फल आ रहे हैं, सबसे अच्छा लग रहा है कि पेड़ फल फूल रहे हैं हमारे। और ये सारे ग्रीन चिली, ये हमारा बैगन, इनमें से अभी एक, हाँ मतलब दो बार हम लोग खा भी चुके हैं इस पर, एक ग्रीन वाले बैगन आए थे और एक ऐसे, और पता है इनमें कांटे भी हैं थोड़े थोड़े, तो एक तो शायद कहीं और से लगाया था, पहले से ही था, बाकी एक उसका ही है प्लांट, और एक दो मम्मा ने, जहाँ भी मम्मा को स्पेस मिलता है वो हर जगह लगा देते हैं, एक दो और भी बाहर भी लगाए उन्होंने। और ये देखो यार पम्पकिन, और पता है ये ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, ज़्यादा बड़ी बेल नहीं है, क्रिपर बहुत छोटा जो दिख रहा है ना आपको, ब्लू कलर का ड्रम इसमें लगाया हुआ है, और भी छोटी सी बेल है, उस पर देखो कितने सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, ये देखो यार अभी छोटू छोटू से हैं, और जल्दी से बड़े हो जाए फिर मैं इनको खा जाऊंगी। और मम्मा इनको ना कवर भी कर देते हैं, जो माने रोड साइड पे लगा दिया ना, साइड में जो गैप होता है, माने वहाँ पे भी, मतलब मैं कह रही हूँ ना हर जगह वो लगा देते हैं, हर स्पेस में, तो वो ढक भी देते हैं ताकि कुछ लोग होते हैं आते जाते हैं नज़र ना लगे, इस टाइप का कुछ रहता है, कोई देखे नहीं। कितने प्यारे लग रहे हैं सारे फ्रेश, और सबसे अच्छा है ना अपने खुद के हैं यार फ्रेश, उनको देख के मन कर रहा है कि बस जल्दी से बड़े हो जाए और मैं खा लूँ। मैंने बोला भी है यार कि जब नवरात्रि, मतलब जो कंचकी होगा अष्टमी के दिन, मम्मा प्लीज़ कद्दू बनाना खट्टा मीठा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लव खट्टा मीठा कद्दू विद पूरी, तो मुझे पसंद है, शायद किसी को नहीं होगा, आई थिंक बहुत रेयरली लोग होते हैं जिनको ये कद्दू पसंद होता होगा, बट आई लव पम्पकिन, और स्पेशली खट्टा मीठा जो पूरी के साथ होता है ना वो वाला, मुझे नमकीन वाला कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये सब नहीं, बस खट्टा मीठा वाला, तो ये भी लगता है। तो अगर किसी को चाहिए ऑर्गेनिक, मतलब कि अपनी खेती खुद की करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो, सीड्स सही हैं तो आप लगा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, तो लेकिन अभी मत लगाना, आए थे ये सीजनल है, हम लोगों ने अक्टूबर के टाइम पे लगा, हमने जो लगाया हुआ था वो छोटा सा ही है अभी, ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ है, पम्पकिन का जो बेल होती है, क्रीपर जो बोलते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, बट फिर भी उस पर फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं और अच्छे से आ रहे हैं। तो आप सीजन के हिसाब से अगर आप इसको लेते हो, जो मैं अभी शेयर कर दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो ये वाला तो आप अक्टूबर के टाइम पे लगाना, अक्टूबर नवंबर में, बाकी जब आप बाय करो अदर सीड्स भी बाय करते हो,
तो जाके उसमें देख सकते हो कि सीजनल की समर्स के हैं कि विंटर के हैं, उसके साफ सफाई कर सकते हो. एंड दैट्स इट. सो वी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डू सब्सक्राइब. बाय बाय. टेक केयर. लव यू ऑल. स्टे हेल्दी. दैट्स द लास्ट. बाय.